आपने आज तक बहुत सी जगह देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको ले जा रही हूँ ऐसे आइलैंड जो पोर्चुगल से कुछ अलग ही कहीं दूसरी दुनिया में, और जहाँ है दूर तक फैली हुई हरियाली, समुद्र, जंगल, हजारों साल पुराने वोल्केनिक जिनके पानी में आज भी धुआं निकलता है, हरी और नीली झीलें, झरने, छोटे छोटे टाउन और ब्लू कलर के हाइड्रेंजेस के फूल आपका स्वागत करते हुए। तो ये है असोरश जो आपको ले जाता है नेचर के बहुत करीब। असोरश का आइलैंड साउ मिगेल पर आने के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं पोर्टो से या लिस्बन से, और यूएसए, कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, बार्सिलोना, वहां से भी फ्लाइट ले सकते हैं। मैंने आइलैंड घूमने के लिए स्कूटी रेंट पे ली 3 दिन के लिए लगभग 120 यूरो में हेलमेट के साथ। आप ये आइलैंड घूमने के लिए या तो स्कूटी ले सकते हैं या कार। मोस्टली आप जब कार रेंट पे लेते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे पिकअप और ड्रॉप ऑफ मिल जाता है, और आप 4 यूरो पे करके अपना बैग भी काउंटर पे रख सकते हैं। तो बाइक या स्कूटी या कार गुड माइलेज के साथ, क्योंकि आप इन 3 दिनों में पूरा साउ मिगेल आइलैंड घूमने वाले हैं। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कैपिटल सिटी पोंट डेलगाडा में रुकना, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो लगोआ में भी स्टे कर सकते हैं जो सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं हूँ अजोरश में, जो कि पोर्चुगल का सेकंड आइलैंड है और 9 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है, और मैं हूँ सबसे बड़े आइलैंड साउ मिगेल पर। उस आइलैंड के बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रुकी हूँ इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में जिसका नाम है काजा ब्रांका, मतलब वाइट हाउस। इतना खूबसूरत है यार, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। साउ मिगेल आइलैंड पे मैं बिताने वाली हूँ 3 दिन, तो यात्रीगण अपनी सीट की पेटियाँ बांध ले और तैयार हो जाएं इस सुहाने सफर के लिए। असोरश का वेदर भी मदेरा आइलैंड जैसा ही है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और सब जगह पर एक जैसा नहीं होता है। जैसे अभी देख लीजिए, वेदर फॉरकास्ट भी कुछ ज़्यादा काम नहीं आता है, इसलिए असोरश में आप spotazorish.com पे लाइव वेबकैम के जरिए वेदर चेक कर सकते हैं। तो मैं पोंट डेलगाडा से निकली थी लगोआ द फोगो के लिए, जो कि व्यू पॉइंट है। उससे पहले ये एक व्यू पॉइंट है मिरादोर द भरोसा। इस भरोसा से मेरा भरोसा उठ गया है, क्योंकि ये व्यू देखो आप, इतना फॉगी है यहाँ पर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम गूगल पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, लेकिन यही है इंस्टाग्राम और रियलिटी। इट इज व्हाट इट इज। Hey y'all, come look at this. क्या कर रही हो गाँव में, था बोर हो रही हो क्या? मैं हूँ इलियो द वीला फ्रांका दो कैंपो। काफ़ी अच्छा व्यू है, पर ड्रोन शॉट से कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखता है। इतना सही सर्कल है जैसे हाथ से बनाया गया हो, और थोड़ा दूर जाकर इसका व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर फॉगी नहीं है और हम जा रहे हैं लगोआ द कोंब्रो। लेट्स गो। तो हम आ गए लगोआ द कोंब्रो।
जो कि पूरा ग्रीन लेक है। ये लेक थोड़ी यूनिक है बाकी लेक से, ये छुपी हुई है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही सुंदर है। एक और मेरा दोरू व्यू पॉइंट मिल गया रास्ते में, फेरना जा रहे थे, चलिए भी देख लेते हैं। हम पहुंच गए मेरा दोरू दो पीको टू फेरो, और यहाँ से देखिए ये लेक कुछ दिखती है हार्ट शेप जैसी, बहुत ही सुंदर है। तो हम फुरनाश पहुंच गए हैं। ये है लगोआ दाश फुरनाश, फुरनाश लेक, बहुत ही शांत है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तेरा नोस्ट्रा पार्क बहुत ही सुंदर है और इसके अंदर है थर्मल बाथ। इसका एंट्री टिकट है 10 यूरो। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो 4:30 बजे से पहले पहुंच जाइए, अभी ये बंद हो चुका है। ये तो सीधा ही नहीं हो रहा है। ये है काजा इन्वर्टिडा इन्वर्टेड हाउस इन फुरनाश, तो अगर आप फुरनाश आ रहे हैं तो इसको भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर जगह धुआं देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पे आग लग गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हॉट स्प्रिंग है, क्योंकि वोल्केनिक जो लावा था वो जल करके उसके बाद में धुआं निकलता है, तो वो अभी तक है यहाँ पर। और कुछ कुछ जगह पर ये लोग यहाँ का जो स्पेशल फूड है वो भी बनाते हैं इसमें, आज भी उसको बनाने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। कैसा है ना कुदरत का भी ये सब, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे पानी उबलते हुए। देख बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। पोर्चुगीज जब 15वीं शताब्दी में साओ मिगेल पर आए तो सबसे पहले यहीं आकर सेटल हुए पोवोआ साओ में, जिनमें वास्को दे गामा जो इंडिया आए थे उन्होंने भी अपने कदम रखे, और फिर यहीं पे पशु एग्रीकल्चर के लिए सीड्स प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, और आज अस्तोरिस के इस आइलैंड पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आप जब यहाँ पर अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हर जगह रुक करके अपनी आंखों में सब कैप्चर करके ले जाएं। टाउन लिंदा तंबुलीता, कौन सा लैंड है ये इतना खूबसूरत।
ऐसे खूबसूरत घरों में ऐसी सुंदर जगह पे कौन नहीं रहना चाहेगा, जब हमें पता हो कि ये पोर्चुगल से भी सस्ता है काफी चीजों में, जैसे पेट्रोल के दाम, दूध और आइसक्रीम की बेस्ट क्वालिटी। वैसे इन गायों को देखकर लगा कि यहाँ का दूध जरूर ट्राई करना चाहिए, जो वाकई में गांव की याद दिलाता है। नॉर्थ ईस्ट में एक प्यारा सा बीच भी है, बट हम नीचे नहीं जाते हैं, यहीं से जूम फीचर का टेस्ट करते हैं। हम लौट रहे हैं पोंट डेलगादा रिबेरा ग्रांड होते हुए, लेकिन उससे पहले एक बेस्ट सनसेट व्यू देखना बाकी है। मिरादोरो दे सांता इरिया, व्हाट अ वंडरफुल पनोरामिक व्यू। यहाँ से पूरा नॉर्थ साइड ऑफ आइलैंड देख सकते हैं, एंड द ओशियन इज वेरी ब्लू। जिद थी कि भरोसा है उसके पास वाली लेक लगवा तो फोगो देखनी है घर लौटने से पहले, लेकिन अभी भी मिला सिर्फ फॉग। और इतना फॉग कि रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और मैं खो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए।